उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ती आपराधिक घटनाएं ये साफ कर दिया है कि दबंगों और चोरों उचक्कों के बीच पुलिस का कोई खौफ नहीं है। आगरा में आज चलती ट्रेन में नर्स के साथ हुए लूटपाट और मारपीट की घटना से साफ है कि सरकार मिशन शक्ति और महिला सशक्तिकरण के तमाम अभियान सिर्फ दावे और दावे ही रह गए हैं। कासगंज पैसेंजर ट्रेन के महिला डिब्बे में बैठकर मथुरा से अचनेरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सुबह ड्यूटी करने जा रही महिला नर्स के साथ कुछ दबंगों ने मारपीट की और उसका पर्स लूट रही थी। मथुरा से आ रही थी, क्या काम करती हैं? क्या घटना हुई थी आपको ट्रेन में? मैं महिला कोच में बैठी थी जी। तीन लोग भैंसा से चढ़े हैं जी महिला डब्बा में, मैं भी महिला डब्बा में बैठी थी। दो परखम से चढ़े हैं रॉन्ग साइड से, उनने जैसे परखम से ट्रेन चली है थोड़ा सा आगे निकली है, तब दो ने मेरे हाथ पकड़े, दो ने मेरे सर पर थप्पड़ मारे, एक ने बैग छीना, एक ने चैन खींची, एक ने पैर, फिर वहाँ से मारते पीटते लाए हैं। एक बार ऐसे करके गले में 15 ऐसे करके पकड़ लिया, ऐसे गले पर कपड़े फाड़ दिए, इज्जत लूटने लगे हैं। क्या क्या सामान लेना है? जल्दी लूट नहीं पाए, वो ऐसी जबरदस्ती होती रही है। पहले यहाँ पर मैं खूब चिल्लाई साधन पूरा को, भैया बचाओ बचाओ, लेकिन सब तमाम से देख रहे, कोई नहीं आया। कितने लोग थे? तीन पांच थे। पांच लोग थे, फिर कहाँ पर कम साधन पर उतर गई? उनमें से किसी को पहचानते हो? इस दौरान महिला के सर पर काफी चोटें आई हैं। महिला ने बताया कि परखम और साधन गांव के बीच लुटेरों ने उस पर हमला किया, उसके बाद पत्थर मारकर उसका सर फोड़ दिया। महिला ने बताया सभी लुटेरे भैंसा गांव से चढ़े थे, उनका इरादा लूट का था। जीआरपी परखम गांव के पास दो युवकों को चोरी की मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया है, अन्य से पूछताछ की जा रही। वहीं महिला का अस्पताल में इलाज चल रहा है।